रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि सऊदी अरब से जो 2.2 अरब डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है वो किन किन शोबों में आ रही है और किस किस प्रोजेक्ट्स पे आ रही है। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे जो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है, अलबेग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अलबेग के मालिक पाकिस्तान में आए, 130 रुकनी वफद के साथ आए। उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप दुनिया में अपने ब्रांड को एक्सपेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी एक्सपेंड करने आए हैं? तो उनका जवाब था, जी हाँ, हम लोग इस ब्रांड को, अलबेग को, अलबेग ब्रोस्ट यानी जो मक्का और मदीना की सबसे फेमस प्रोडक्ट है, सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, तमाम पाकिस्तानी, तमाम हाजी जब भी मक्का और मदीना जाते हैं वो अलबेग ज़रूर खाते हैं, वो अलबेग खाए बगैर वापस नहीं आते। अलबेग मक्का और मदीना में लंबी लंबी कतारें होती हैं, लेने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। इसके साथ साथ अलबेग मक्का और मदीना में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा होता है। बहुत सारे ऐसे अफराद जो अलबेग को ख़रीद के वहाँ पे डोनेट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ हाजियों को दे रहे होते हैं, हाजियों की खिदमत कर रहे होते हैं, वो अलबेग पाकिस्तान में अपना आउटलेट ओपन करने जा रहा है। साफी के सवाल के जवाब में अलबेग के ओनर ने कहा कि आप लोग इसका फर्स्ट आउटलेट कहाँ बनाएंगे? तो उनका जवाब था, हमारी कोशिश है इसका जो फर्स्ट आउटलेट है वो इस्लामाबाद में बनाया जाए, अलबेग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एक बात की वजाहत करता जाऊं, गो के साथ भी सऊदी अरब को का एग्रीमेंट हुआ है, वो यहाँ पे गो के आउटलेट ऑपरेशंस को हैंडल करेगा। 40% हिस्सा इसिस अरामको ने गो के खरीद लिए हैं। कुछ लोग गो और अलबेग को मिक्स कर रहे हैं कि अरामको गो खरीदेगा साथ अलबेग में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आउटलेट बनाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गो की तरफ की जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट कंपनी की है, डिफरेंट ओनर है, डिफरेंट ब्रांड है, जबकि अरामको वो एक डिफरेंट ब्रांड है, वो डिफरेंट सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। लिहाजा आप गो की इन्वेस्टमेंट को और अलबेग की इन्वेस्टमेंट को मिक्सअप नहीं करेंगे, ना इनकी ओनरशिप को मिक्सअप करेंगे। ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, इनकी अपनी पहचान है, वो अलग है। इसी तरह सीमेंट सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, जिसमें सीमेंट और बजरी, रेत और इसका सरिया, सबसे बड़ी सरिया, इनमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। इन दोनों की इन्वेस्टमेंट से सऊदी अरेबिया में बिल्डिंग मटेरियल का सामान प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान से। सीमेंट चूंकि पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है, और सीमेंट के बड़े प्रमोटर एक्सपोर्टर में पाकिस्तान शामिल है, तो इसलिए बिल्डिंग मटेरियल में भी हो रही है। इसके अलावा मादनियात में हो रही है, कानकनी में हो रही है, बलूचिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और भी सऊदी अरेबिया लगाने जा रही है, उसकी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वो प्रोजेक्ट्स की डिटेल क्या है, जिससे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके पैदा होंगे। आज की वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।